हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th क्लास स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 जो है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। और उस चैप्टर में आईयूपीएसी नेमिंग जो है वो अपन स्टार्ट की थी, और उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। बहुत सारे रूल्स अपन ने पढ़ भी लिए थे और कुछ और जो रूल्स रिमेनिंग है वो अपन आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो था उसमें मैंने कुछ आपको एक्सरसाइज दिया, आप बोल सकते हो एक्सरसाइज तो क्या, ओनली 3 क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स भी लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट और भी बच्चों के आंसर आने चाहिए, ठीक है। अब जिन्होंने आंसर नहीं लिखे हैं कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने नोटबुक में किया होगा, और नहीं भी किया है तो अभी देखो ये वाले क्वेश्चन थे वो तीनों, ठीक है। और अभी भी अगर आपको टाइम है तो वीडियो को पॉज करो, फटाफट इनके नेम लिखो और उसके बाद में मैच करो कि देखो सही है या नहीं है, ठीक है। अब अपन इनको पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की जो नेमिंग है उसकी। और आज हम स्टडी करेंगे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी आईयूपीएसी नेमिंग की, क्लियर। चलो देखो, फर्स्ट जो कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड में सबसे पहले देखो, आपको मैंने बोला था सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें भी यही करना है, 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन की है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 6 कार्बन की, ठीक है। हमने 6 कार्बन की चेन सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हम बात करें तो अब हम क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स में देखो 1 2 3 4 5 सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है, 3 4 एंड 5 पे, ठीक है। अब 3 4 5 का अगर हम सम करें कितना आएगा, 5 एंड 4 9 9 एंड 3 12, ओके। अब यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो 1 2 3 4, ठीक है, 2 3 4, ठीक है। अब 2 3 4 में देखो 3 2 5 5 एंड 4 9 9 ही आ रहा है, उसका एडिशन मेन सम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, इस साइड से करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट कौन है बेटा, अपने पास सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, मिथाइल, बिकॉज 1 कार्बन है ना। और ये मिथाइल ग्रुप कितने टाइम है, 3 टाइम्स, 1 2 3। तो मैंने कल आपको क्या बताया था कि जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मोर देन 1 टाइम होता है तो उसके आगे हम क्या यूज करते हैं, फॉर 2 वी यूज डाई, फॉर 3 वी यूज ट्राई, टेट्रा, पेंटा, लाइक दिस, ओके एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन पे है मिथाइल, सेकेंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है एंड फोर्थ पोजीशन पे है, क्लियर। 2 3 4 कितने मिथाइल ग्रुप है बेटा, 3 मिथाइल ग्रुप, क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल, ओके। 2 3 4 ट्राई मिथाइल एंड देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 6, मीन्स लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की है, ठीक है। अब 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, 6 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे हेक्स, ओके। सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो क्या लिखेंगे, हेक्स प्लस ए, हेक्सेन, क्लियर। चलो अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को अगर हम देखें तो कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे पहले, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 कितने कार्बन की हो रही है, ये 7 कार्बन की। यहां से भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 मीन्स ये जो 7 कार्बन वाली चेन है यही आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, क्लियर। अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, यहां से अगर हमने नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 एंड 5 पे आए, ठीक है, 3 4 एंड 5 3 4 5 हो ही सी 12 आएगा एडिशन, ठीक है। अब यहां से देखो 1 2 3 4 5 अब देखो, अच्छा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसमें, क्योंकि दोनों साइड से इसका एडिशन कितना आ
प्रोपाइल, क्या नेम होगा उसका, प्रोपाइल। और यहां से अगर हम देखें तो सब्स्टिट्यूएंट कितने कार्बन का आ रहा है बेटा, वन कार्बन का, ठीक है। और वन कार्बन का जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल, ठीक है। अब दोनों का कंपैरिजन करो कि मिथाइल अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है या प्रोपाइल आता है, तो हम क्या देखते हैं, एम एन ओ पी मीन्स पहले कौन आता है, मिथाइल। समझ आ गया ये रूल, मीन्स अगर आपके पास में दोनों का जो एडिशन है वो इक्वल आ रहा है, उस कंडीशन में हम किसको बाद में प्रेफरेंस देंगे, अल्फाबेटिक नॉमेनक्लेचर को। तो देखो यहां से हमने स्टार्ट किया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, क्लियर। तो अब देखो आप अपने पास सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है बेटा, वन कार्बन का मिथाइल, ये भी वन कार्बन का मिथाइल, और ये थ्री कार्बन का प्रोपाइल। तो मिथाइल क्या होगा, पहले नेमिंग होगी मिथाइल की, प्रोपाइल की बाद में होगी, ठीक है। मिथाइल कितने टाइम है, मिथाइल टू टाइम्स है, कौन कौन सी पोजीशन पे, थर्ड एंड फोर्थ। थ्री फोर्थ पे कितने मिथाइल ग्रुप है, टू मिथाइल ग्रुप, देन वी यूज डाई, देन मिथाइल, ओके, देन प्रोपाइल ऑन विच कार्बन एटम, फिफ्थ कार्बन एटम, फाइव प्रोपाइल। एक चीज ध्यान से सुनना, ये जो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ये जो हम वर्ड यूज करते हैं, इनका जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है मींस इसका जो फर्स्ट लेटर है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल का एम और प्रोपाइल का पी, इनमें हमें कंपेयर करना है, ठीक है। डाई ट्राई टेट्रा इनका डी पी ये नहीं करना है, क्लियर है, आ गया सबको समझ में। चलो तो अब देखो थ्री एंड फोर पे क्या है, मिथाइल है, मेंशन कर दिए, थ्री फोर डाई मिथाइल, देन फाइव पे कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल, तो प्रोपाइल भी मेंशन कर दिया। अब देखो कार्बन चेन कितने की है, सेवन कार्बन की चेन विद वन विद ऑल द सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। तो सेवन कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैप्ट प्लस ए, क्या नेम हो गया इसका, थ्री फोर डाई मिथाइल फाइव प्रोपाइल हैप्टेन, क्लियर है। चले आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है उसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। तो यहां अपन कौन सी कार्बन चेन लेंगे, नाइन कार्बन की जो चेन है उसको हम एज ए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, क्लियर। अब नंबरिंग करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव पे है, सिक्स सेवन और एट, फाइव सेवन एंड एट, ठीक है। और ये कितने पे है, वन टू थ्री फोर फाइव, टू थ्री एंड फाइव, बहुत इजीली मुझे एडिशन करने की जरूरत ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है ना, किसका एडिशन कब आएगा, इस वाले का आएगा। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं बेटा, थ्री सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। और तीनों ही क्या है, मिथाइल है, कौन कौन सी पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है एंड फिफ्थ पोजीशन पे है, क्लियर। मेंशन करते हैं, देखो टू थ्री फाइव, ओके। अब टू थ्री फाइव कितने मिथाइल है, थ्री मिथाइल ग्रुप, देन वी यूज ट्राई एंड देन मिथाइल, टू थ्री फाइव ट्राई मिथाइल। अब देखो कार्बन कितने की है, कार्बन चेन नाइन कार्बन की, तो नाइन कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉन, ठीक है। और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको क्या लिखेंगे, नॉन नेम, ठीक है। इसका नेम हो गया टू थ्री फाइव ट्राई मिथाइल नॉन नेम, ठीक है। इसका हो गया थ्री फोर डाई मिथाइल फाइव प्रोपाइल हैप्टेन, इसका हो गया टू थ्री फोर ट्राई मिथाइल हेक्सेन, क्लियर है सब बच्चों को, ठीक है। अब जिन बच्चों के आ
आंसर राइट है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। और जिनके नहीं है राइट, उनको देखना है कि हमने कहाँ मिस्टेक की है, ठीक है। चलो अब हम कुछ और रूल्स रह गए हैं, 2 और 3 रूल्स, उसके बाद हम स्टडी करेंगे फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास में सब्स्टिट्यूएंट जरूरी नहीं है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट कि सिर्फ इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ये सब ही आए, ठीक है। इनके अलावा भी सब्स्टिट्यूएंट आ सकते हैं, लाइक अगर सीएल आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरो। फॉर एफ वी यूज फ्लोरो, फॉर आई वी यूज आयोडो, एंड फॉर बी आर वी यूज ब्रोमो, ठीक है। और इनको भी हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही करेंगे, क्लियर है, ठीक है। चलो तो देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। मान लो ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले तो कोई सेम चीज, सेम कंसेप्ट, एक फ्लोरो ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है अपन को, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। देखो 1 2 3 4 5 6, ओके। बट यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 60 है, 1 2 3 4 5 की मीन्स जो स्ट्रेट कार्बन चेन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहां देखो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट बहुत सारे हैं, बहुत अलग अलग तरह के हैं, ठीक है। अब कौन से सब्स्टिट्यूएंट कैसे होंगे नेमिंग, देखो पहले तो सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग स्टार्ट कहां से करेंगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो देखो 1 2 यहां से अगर स्टार्ट करें, 3 4 5 एंड 5, 3 4 5 एंड 5, 5 5 10, 10 and 4 14, 14 and 3 15 16 17, ओके। यहां से स्टार्ट किया 1 2 पे, सेकेंड भी 2 पे, देन 3 पे, देन 4 पे, ओके। 2 एंड 2 6, 6 4 10, 10 एंड 3 13, ठीक है। तो यहीं से करेंगे, ऑब्वियसली सिंपल सा दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर। अब सब्स्टिट्यूएंट्स देखो, नेम देखो उनके, इसका नेम है इथाइल, इसका नेम है मिथाइल, इसका नेम है क्लोरो, इसका नेम है फ्लोरो। सबसे पहले कौन आएगा, ए बी सी, सबसे पहले कौन आएगा, क्लोरो। तो 2 क्लोरो, देन ए बी सी डी ई एफ, पहले ई आता है फिर एफ आता है, तो 4 इथाइल, देन 2 फ्लोरो, देन 3 मिथाइल, ओके। सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, 4 ही सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 हो गए, ठीक है। अब कार्बन चेन कितने की है, 6 कार्बन की, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो H+A, क्लियर। तो इस टाइप के भी आपके एग्जांपल्स आ सकते हैं जिसकी नेमिंग इस तरह से होगी, क्लियर है सब बच्चों को, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो नेमिंग किस टाइप से करेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर आपको पूरा एक टेबल बना के बताऊंगी, जितने भी 16 फंक्शनल ग्रुप हैं उनके बारे में, ठीक है। बट आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो फंक्शनल ग्रुप आपके 10th क्लास में आ चुके हैं जनरल, उन्हीं के बारे में, क्लियर। चलो देखो, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके बारे में तुम लोगों ने पहले भी सुना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो अब हर एक फंक्शनल ग्रुप में हमें क्या ध्यान रखना है, हर फंक्शनल ग्रुप में हमें ये ध्यान रखना है उस फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस फंक्शनल ग्रुप के 2 नेम्स होते हैं, लाइक एक उसको एज ए सफिक्स हम ऐड करते हैं, एक उसको एज ए प्रीफिक्स हम ऐड करते हैं,
ठीक है। आपके जैसे अभी तो यूज सफिक्स में आएंगे, प्रीफिक्स आपके यूज बाद में आएंगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको सफिक्स ही बता दूं, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे फिर तुम लोग, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाओगे तो वैसे वैसे चीजें तुम्हें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ यही देखेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका सफिक्स क्या होता है, ठीक है। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। अगर हम इसको और कंडेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी ओ ओ एच, ठीक है। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इसकी इस तरह से होती है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? फोर बॉन्ड्स बनाता है। तो यहाँ टू तो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, वन इस OH के साथ बनाएगा और बाकी जो है वो कार्बन चेन के साथ बनाएगा, क्लियर। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका जो सफिक्स होता है, जिसको हम एक्चुअली कौन सा सफिक्स बोलते हैं? सेकेंडरी सफिक्स, बिकॉज प्राइमरी सफिक्स तो क्या होते हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये चीजें होती है ना। तो सेकेंडरी सफिक्स जो होता है इसका नेम होता है ऑइक एसिड। क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स? ऑइक एसिड, क्लियर है सब बच्चों को, ठीक है। अब देखो हम इसका नेमिंग किस तरह से करते हैं। हालांकि एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, देखो फंक्शनल ग्रुप भी बेटा टू टाइप्स के होते हैं। कैसे कैसे? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एंड विदाउट कार्बन, ठीक है। कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप होंगे? टू टाइप्स के, कार्बन कंटेनिंग एंड विदाउट कार्बन। कार्बन कंटेनिंग मीन्स जिसमें कार्बन इंक्लूड हो, तो यहां आपको दिख रहा है कि इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो इसकी नेमिंग, लाइक सी ओ ओ एच इस तरह से, और यहां मान लो इस तरह से कोई भी कार्बन चेन अटैच है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे, और हालांकि ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन चेन में इंक्लूड होगा, क्लियर है। मीन्स यहाँ कार्बन चेन कितने कार्बन की बनेगी? थ्री कार्बन की बनेगी, वन टू थ्री, ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन चेन में इंक्लूड होगा। प्लस अब से ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लोवेस्ट नंबर जो है वो फंक्शनल ग्रुप को ही मिलना चाहिए, मीन्स इसको सबसे लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। नंबरिंग स्टार्ट ही यहीं से होनी चाहिए, वन टू थ्री। अब देखो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ना, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है मीन्स अगर मेन कार्बन चेन देखेंगे, मेन कार्बन चेन कितने कार्बन की है बेटा? थ्री कार्बन की। फॉर थ्री कार्बन वी यूज ड्रॉप, ओके। प्लस ये सबके सब कौन से बॉन्ड से अटैच है? सिंगल बॉन्ड से, इसलिए हमने क्या सफिक्स यूज किया? ए। अब यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। तो हमने यहाँ लिख दिया ओइक एसिड, क्लियर। अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था, पहले एक क्लास में भी बताया था, जब टू वॉवल्स होते हैं तो वन को हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब ये क्या होगा? प्रो पेन, इसको मर्ज किया, इनको मर्ज करेंगे तो ये ई ड्रॉप हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्या नहीं हुआ है सब्सटेंस का? प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को करने के लिए दे दू, फटाफट मुझे इसका नेम बताना, इसका नेम क्या होगा अभी बताओ। सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या यूज करेंगे? ए। कार्बोक्सिलिक एसिड
कैसे करना है। मान लो ये आपके पास है, ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे लॉन्गेस्ट ट्रैवल चेन। फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना है, 100% करना है। अमिताभ बच्चन है ये, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो आया अमिताभ बच्चन वाला लॉजिक, वो कहता है ना, मैं जहां खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू हो जाती है ना। वैसे ही से ये जहां होगा लाइन वहीं